हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एंड क्योर गाइस। आज का टॉपिक है कि लो लाइंग प्लेसेंटा जो होता है वो कब तक रहता है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये लोगों का क्वेश्चन होता है कि कब तक ठीक हो जाता है, कब तक रहता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये ठीक हो सकता है, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको बिल्कुल ही इग्नोर करनी चाहिए। पूरी की पूरी डिटेल्स इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होते हैं इस वीडियो में, उसको सारी चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले, अगर इससे पहले अगर पहली बार चैनल विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें, क्योंकि हमारे वीडियोज़ की गई अपडेट आपको तभी मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ सारी की सारी डिटेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, लो लाइंग प्लेसेंटा में आपको कितना रेस्ट करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको डॉक्टर ने कह दिया कि आपको फुल बेड रेस्ट का मतलब ही होता है कि आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, जो आपके प्लेसेंटा की कंडीशन जो है वो बिल्कुल ही नीचे की तरफ है, या आपको ब्लीडिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है, तो बेसिकली आपको बहुत ही केयरफुली रहना है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको बेड रेस्ट करना है। किसी भी तरीके का आपको हेवी काम नहीं करना, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। कई लोग का क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, 1-3 महीना, इस टाइप पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपके प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, क्योंकि जिस तरीके से बेबी मूव करता है, जिस तरीके से जैसे प्लेसेंटा ग्रोथ होता है, बेबी की ग्रोथ होती है, तो प्लेसेंटा स्टार्टिंग में अगर नीचे की तरफ है तो ग्रोथ होके मे बी अपर साइड में चला जाए। अगर प्लेसेंटा की पोजीशन बदली ही नहीं है देन क्या होगा, देन आपको ये जो चीज़ है वो आपको 9 महीने फेस करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बिल्कुल ही जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है, इस वजह से कई लोगों का बहुत बारी अल्ट्रासाउंड होता है ये चीज़ चेक करने के लिए कि प्लेसेंटा की पोजीशन चेंज हुई है, नहीं हुई है, कहाँ पे है, क्या चीज़ें हैं। सो इस वजह से तो आपको बिल्कुल ही, अगर कहा गया है कि बिल्कुल बेड रेस्ट करना है, प्लेसेंटा की पोजीशन सही नहीं है, देन डेफिनेट कंडीशन में आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। अब कई लोग का ठीक भी हो जाता है, जैसे मैंने आपको कहा, कई लोग का फर्स्ट के ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है, फिर बाद में जाके ठीक भी हो सकता है। बिल्कुल आपके डॉक्टर आपको जब चेक करेंगे, आपका अल्ट्रासाउंड देखेंगे, वो आपको बता देंगे कि अब आप थोड़ी बहुत एक्टिविटीज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल जब जाते हो चेकअप के लिए, आप उनसे पूछें क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या चीज़ें नहीं कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू आपका USG, अकॉर्डिंग टू योर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको बता देंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है, लो लाइंग प्लेसेंटा जो होता है, लो लाइंग प्लेसेंटा में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लो लाइंग प्लेसेंटा में आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है, अगर सोशल गैदरिंग वगैरह थोड़ा कम आप अटेंड करो, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आप आपका जो किस टाइम पे क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। अपनी तरफ से इंसान हर एक सेफ्टी यूज़ करता है, सो इस वजह से सोशल गैदरिंग वगैरह थोड़ा सा कम करो, कहीं ट्रैवल जाना आना कम करो, ऐसी जगहों पे ना जाए, बाइक वगैरह पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करें, थोड़ा सा अगर लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल ना करें, अगर आसपास में कहीं है तो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत लॉन्ग रूट है देन बिल्कुल ही बाइक वगैरह को अवॉइड करें। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। हाँ, आप वॉकिंग कर सकते हो थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा सीढ़ियों से चलना उतरना भी आपको इग्नोर करना पड़ेगा, इससे भी आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ओवरऑल अगर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से, मेरे को जितना ध्यान आया मैंने आपको बताई है वो चीज़ें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लो लाइंग प्लेसेंटा में, आपको इंटीमेट भी बहुत ही कम होना है, बहुत ही कम मीन्स ना के बराबर हो तो ही ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी, जिससे आपका लो लाइंग प्लेसेंटा में आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, मे बी आप समझ गए होंगे। और लो लाइंग प्लेसेंटा जो होता है कई लोग का पूरे टाइम तक रहता है, तो जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती आप बस पेशेंस रखें, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। आपकी जो क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अपनी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।